फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं बताना जरूर। तो हम सोच रहे हैं कि आज हम सोच रहे हैं कि जूस की रेसिपी आप लोग से शेयर करें। जूस और नींबू पानी यही सब मांग रहे हैं और ठंडा पानी मांग रहे हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ठंडी तो हम बर्फ नहीं यूज करते हैं क्योंकि हमारे बच्चे भी पीते हैं और गर्मी में जितना आप बर्फ खाओगे उतनी ही सेहत के लिए नुकसान है वो, इसलिए हम बर्फ नहीं यूज करते। फ्रिज है, फ्रिज का पानी हम यूज करते हैं। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो वो तो आप लोग को पता ही है, बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे तरबूज का रस, तो इसे कलिंगर भी बोलते हैं। तो पहले इसे हम कट कर लेते हैं। तो मैंने इसे धो लिया है, तो इसे बीच में से हम कट कर लेते हैं और फिर साइड से भी कट कर लेते हैं। फिर इस तरीके से हम काट के और फिर इसे छिलके को अलग कर लेंगे। तो सारा इसी तरीके से हमें कट करना है, छोटे छोटे पीस में। जो थोड़े बहुत बड़े बड़े पीस हैं उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार लिया, इसमें डाल देते हैं सारा। यहाँ पे जो हमने मुआवजा बनाया था वो डाल देते हैं, फिर दूध डाल देते हैं और 2 चम्मच चीनी डाल देते हैं, आपको जितना मीठा। तो जो हमने मुआवजा बनाया था उसकी रेसिपी आप लोग को बताई थी। तो ग्लास में हम साइड में लगा दे रहे हैं इसे, तो इससे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा जो हम जूस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने कटा हुआ तरबूज लिया है वो डाल देते हैं, यहाँ पे अंगूर लिया है वो डाल देते हैं और थोड़ा सा हम इसमें आम डाल देंगे ऊपर से। तो और फिर मैंने केला भी ऐड किया है। तो जितनी फल आती हैं इस समय में मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। तो पीने में बहुत अच्छा लग रहा था, कभी आप लोग भी ट्राई करना। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में ही पेंट करते हैं।